करते हैं वायरिंग। पहले हम एक रेड कलर की वायर लेंगे। वायर के एक एंड को ये इधर टू पोल का आइसोलेटर लगा 40 एम्पियर का, आइसोलेटर के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। वायर के दूसरे एंड को ये इधर 25 एम्पियर की दो एमसीबी लगे सिंगल पोल की, एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और साथ में हम एक वायर का लूप लेंगे। लूप का एक एंड इसी वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। लूप के ये वाले एंड को ये वाली 25 एम्पियर की सिंगल पोल के एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, और अब फ्रेंड्स हम इसमें आउटपुट में ये दो रूम के लिए लगा रखी है। आपके घर में ज़्यादा भी लगी होंगी सिंगल पोल की एमसीबी। अगर अलग अलग रूम के लिए नहीं है तब भी ये वायरिंग कर सकते हो, अगर है तो आपको ऐसे वायरिंग करनी है। अब रूम की एक रूम की वायर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं सिंगल पोल की एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे। ये वाले रूम की ये वाली एमसीबी दूसरे रूम की, इसको हम ये वाली एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो रूम के लिए आउटपुट न्यूट्रल जाएगा वो आइसोलेटर के ये वाला न्यूट्रल टर्मिनल है, आइसोलेटर का आउटपुट इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं, घर का लोड वाला न्यूट्रल। अब फ्रेंड्स, जो सब मीटर से इनपुट फेज और न्यूट्रल आएगा वो वायर कनेक्ट करते हैं एनर्जी मीटर से। इनपुट फेज वाली वायर रेड कलर की है, ये एनर्जी मीटर से आएगी, आइसोलेटर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगी। और इनपुट न्यूट्रल के लिए ब्लू कलर की वायर, ये भी सब मीटर से आएगी, जो हमारे घर में एनर्जी मीटर लगा है उसके आउटपुट से। ये हमारे घर की इस तरह से हमने वायरिंग करवा रखी होगी या कर रखी होगी। अब क्या है कि फ्रेंड्स, जैसे हम आइसोलेटर को ऑन करते हैं तो ये दोनों एमसीबी में फेज जाएगा और दोनों एमसीबी ऑन करते ही फेज आउटपुट हो जाएगा, और ये वाला जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट रहता है। इसमें क्या होगा, जब भी आपके घर में ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तब ये एमसीबी ट्रिप होगी। अगर वोल्टेज हाई होती है तब भी ये एमसीबी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज को आगे पहुंचा देगी। जो भी आपके घर में इक्विपमेंट चल रहे हैं, जैसे टीवी होगा, फ्रिज होगा, कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है उस टाइम, वो सब जल जाएगा अगर ओवर वोल्टेज होगी। लो वोल्टेज होगी तब भी एमसीबी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे पास कर देगी और हमारे जो भी इक्विपमेंट चल रहे हैं घर के वो खराब हो जाते हैं, महंगे महंगे आइटम। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या करना है, उसमें हमको लगाना है ये वाला, ये आप देख रहे हो, ये आई लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। मतलब इसमें तीन प्रकार की प्रोटेक्शन दी गई है, हाई वोल्टेज प्रोटेक्ट करेगा, लो वोल्टेज प्रोटेक्ट और ओवर करंट। जितनी आप इसमें करंट कैपेसिटी डालोगे उस हिसाब से, उससे ज़्यादा अगर करंट जाता तब भी ये ट्रिप हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते आप करंट के ऊपर सेटिंग तब भी आप इसको ऑफ कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली ऑफ रहता है, उसको अगर ऑन करोगे तभी काम करेगा। ओवर वोल्टेज जितनी आपकी रहेगी आप सेटिंग करोगे उस पर उसी पर ये ट्रिप करेगा, यानी कि ओवर वोल्टेज होता ही आप जितना टाइम डालोगे 2 सेकंड 3 सेकंड उसके बाद ये बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। और अंडर वोल्टेज जैसी लो वोल्टेज होती है, मान लीजिए आपके घर में 110 वोल्ट होती है, 110 से भी कम चली जाती है, वो जो आप सेटिंग दोगे उस हिसाब से ये ऑफ कर देगा, यानी कि आपका जो भी बिजली के उपकरण है वो ख़राब नहीं होंगे। बिजली के कारण, हमारे ओवर वोल्टेज के कारण बहुत सारी
घर के सामान जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। जैसे सिंगल पोल के एमसीबी लगी, ये अलग अलग रूम के लिए है, ये एमसीबी सब हमने ऑफ़ कर लिया, अभी आइसोलेटर भी ऑफ़ कर लिया है। अब इसको लगाने का तरीका यही है, ये एमसीबी बॉक्स के अंदर ऐसा सी चैनल लगा होगा, आप उसमें इसको लगा लीजिए ऐसे। अगर फ्रेंड्स आपको ये परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे आपको, ऐसे आप लगा लीजिए सी चैनल में। इसके टोटल तीन टर्मिनल है, ये इनपुट न्यूट्रल, इनपुट फेज, आउटपुट टर्मिनल इसका एक है, यानी कि फेज आउटपुट होगा। हम ये इनपुट जो आइसोलेटर से वायर आई है, सिंगल पोल के एमसीबी में कनेक्ट है, इस वायर को यहाँ से खोल लेंगे। इस वायर को कनेक्ट करेंगे डिवाइस के इनपुट फेज वाले टर्मिनल पे। ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और अब लेंगे हम एक लूप, लूप को का एक एंड हम कनेक्ट करेंगे डिवाइस के आउटपुट टर्मिनल पे। लूप के दूसरे एंड को सिंगल पोल की एमसीबी में कनेक्ट करेंगे यहां से। ये आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, अगर आपके घर में ज़्यादा सिंगल पोल की एमसीबी लगी है, ये लूप के साथ में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें इनपुट न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। इनपुट न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर की वायर ले लेते हैं, इसको ये डिवाइस के इनपुट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। वायर का दूसरा एंड आइसोलेटर के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल वाले आउटपुट टर्मिनल पे। ये हमको घर का जो लोड वाला न्यूट्रल है इसको नहीं खोलना है, ये यहीं रखना है, क्योंकि इसमें फेज ही आउटपुट निकलता है। बहुत सारे आते हैं जिसमें फेज और न्यूट्रल आउटपुट होते हैं, यानी कि दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट, वो भी अच्छे रहते हैं। ये ऐसे हमको इसकी वायरिंग करनी है और अब हम इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं। अब हम आइसोलेटर को ऑन कर लेते हैं, आइसोलेटर ऑन हो चुका है, ये देखिए अभी ये 5 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा, अभी ऑन हो गया है, आगे पावर चली गई है, अभी वोल्टेज शो कर रहा है इधर 219 वोल्ट, 220 इधर करंट दिखाएगा। जैसे घर की पावर ऑन करेंगे, ये एक रूम की एमसीबी ऑन कर देते हैं, ये बल्ब ग्लो करने लग गया, दूसरे रूम की ये वाला बल्ब ग्लो करने लग गया है। अब फ्रेंड्स ये काम कैसे करेगा, ये इधर इसके तीन स्विच दिए गए हैं, ये प्रोग्राम के लिए स्विच है, इसमें ओवर वोल्टेज हमने सेट करके रखी है 265 वोल्ट, 265 से अगर ऊपर जाता है तब ये ऑफ कर देगा, यानी कि ओवर वोल्टेज हो जाएगी। और अंडर वोल्टेज कर रखी है इसमें 113 से अगर और डाउन हो जाती है तब ये पावर को ऑफ कर देगा, यानी कि आपके घर की पूरी प्रोटेक्शन करेगा ये, जो भी इक्विपमेंट लग रहे हैं पावर में। कई बार क्या होता है, हमारे घर का बहुत सारा इक्विपमेंट चलते रहते हैं, उस टाइम ओवर वोल्टेज हो जाती है, अचानक टीवी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, उस टाइम क्या होता है कि हमारे सभी इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं ओवर वोल्टेज के कारण। अब इसमें ओवर वोल्टेज जैसी आएगी ये तुरंत ऑफ कर देगा, आगे पावर ही नहीं देगा, जैसी वोल्टेज सामान्य हो जाएगी, यानी कि हमने 265 इसमें सेट करके रखी है, 265 आ जाएगी तभी ये ऑन करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। और अगर वोल्टेज 113 से कम होती है तब भी ये ऑफ कर देगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्टेज इसमें सेट करते हो, और करंट भी इसमें आप सेट कर सकते हो, हमने इसको 16 एम्पियर पे अभी करके रखा है। आपको जब भी आप ये परचेज कर रहे हो आप इसको 63 एम्पियर का लीजिए और उसका करंट खुद से सेट कर लीजिए। ऐसे आप फ्रेंड्स ये ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा के आप अपने घर की सभी इक्विपमेंट को ख़राब होने से बचा सकते हो। अब ये 100% वर्किंग में है फ्रेंड्स, यानी कि ये ख़राब नहीं होता जल्दी सी और फुल प्रोटेक्टिव है।
ये लगाने के बाद आपके घर का कोई भी सामान खराब नहीं होगा ओवर वोल्टेज की वजह से। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। और ये अगर आपको ऑफलाइन मिलता है तो ऑफलाइन ले लीजिए, अगर ऑफलाइन नहीं मिलता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इसको ऑनलाइन ले लीजिए और आपके घर की प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए ओवर वोल्टेज से।